अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी दोस्तों, आमिर रजा एक बार फिर आपके साथ। आज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोविड आपको पता ही है कि पिछले एक डेढ़ साल के साथ हमारे साथ ही है और हमें कोई ऐसा मौका नहीं मिला है कहीं घूमने फिरने के लिए, जाने के लिए, या फिर ट्रैवल जो हम करते रहते हैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए, उसके लिए हमें कोई मौका ऐसा नहीं मिला है। तो आज मैं आपको एक मौका बताता हूँ कि अभी ईद की जो छुट्टियाँ आ रही है, डेफिनेटली 4 से 5 दिन की छुट्टियाँ डेफिनेटली होनी है, तो उसमें आप जो UAE रेजिडेंट्स हैं वो कौन से कंट्रीज जाके अपना जो ट्रेवल की जो प्यास है, जो भूख है, जो हमें मतलब जो हमें एहसास दिलाती है फ्रेशनेस की, जो हमने पिछले एक डेढ़ साल से हम मिस कर रहे हैं, तो वो हम अपनी जो अपना जो शौक है, जो अपना जो ट्रेवल की जो हैबिट है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके लिए आप वीज़ा अप्लाई करें और आप जा सकते हैं। यूरोप ऑलमोस्ट ओपन हो चुका है, स्विट्ज़रलैंड, इटली, आइसलैंड, फ्रांस, लेकिन उनके लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। तो उतना हमारे पास टाइम है या नहीं है अभी, तो उसको हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आप उन कंट्री से जा सकते हैं। लेकिन जो हमें एज ए UAE रेजिडेंट जो हमें फैसिलिटी है वीज़ा ऑन अराइवल्स की, तो मैं उनके उन कंट्रीज के बारे में बात करना चाहूँगा कि जस्ट टिकट बुक कराई, हमने पैकेज देखे ऑनलाइन, हमने टिकट देखे ऑनलाइन, जो जिस भी कंट्री का सस्ता मिल रहा है, चीप मिल रहा है, हमने उसको बुक किया, होटल बुक किए और बैग पैक किए और हम ट्रैवल के लिए निकल गए। तो ऐसे कंट्रीज में सबसे पहले है अज़रबैजान। अज़रबैजान जो है जो ये फैसिलिटी हमें दे रहा है वीज़ा ऑन अराइवल की जो UAE रेजिडेंट्स है, तो आप अज़रबैजान जा सकते हैं। ऑनलाइन टिकट्स आप देखें, मेरे ख्याल में कोई 1,000 से 2,000 के बीच में आपको रिटर्न टिकट मिल जाता है, इंक्लूडिंग जो कुछ वेबसाइट ऐसी भी हैं जो कि आपको पूरा पैकेज देती हैं, उसके अंदर होटल और ब्रेकफास्ट भी शामिल होता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा कंट्री मैं आपको बताता हूँ अज़रबैजान के अलावा, जो दूसरा जॉर्जिया। जॉर्जिया में भी सेम फैसिलिटीज है हमें, वीज़ा ऑन अराइवल है, हम जॉर्जिया जाएँ और वहाँ की जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, क्या नाम है, माउंटेन्स हैं, बहुत खूबसूरत है। अब जॉर्जिया जाएँ, जॉर्जिया भी जा सकते हैं, ऑनलाइन वीज़ा जो है वो आपको मिलेगा ऑन अराइवल, ठीक है जी। उसके बाद जो मालदीव है, बहुत खूबसूरत है मालदीव, ठीक है जी, मालदीव आप जा सकते हैं। उसके लिए ये है कि सेम प्रोसेस, वीज़ा ऑन अराइवल है, आप टिकट बुक करें अपनी और होटल बुकिंग करें और बैग पैक करें और निकल जाएं। जो मालदीव है वो अपने बहुत ही खूबसूरत बीचेस और हट्स की वजह से मशहूर है, पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए वहाँ पर, अपना टाइम स्पेयर करने के लिए, स्पेंड करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो मालदीव इज़ द बेस्ट, आप जा सकते हैं और आप अपना क्वालिटी टाइम वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद इसी किस्म का एक और कंट्री है मॉरिशस, वो भी आइलैंड है, वो भी अपने बीचेस और खूबसूरती की वजह से बहुत फेमस है। तो उसके लिए भी हम लोगों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल ही है, हमने बस क्या करना है कि टिकट बुक करनी है अपने हिसाब से और होटल्स बुक करने और बैग पैक करने और मालदीव पहुँच जाना, मॉरिशस पहुँच जाना है। तो ये कुछ कंट्रीज थे जो कि हम जो ईद की छुट्टी आ रही है 4-5 दिन की, उसमें जाके हम घूम फिर सकते हैं और अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये एक चीज होना जरूरी है कि आपने वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हुए हों, और आज की न्यूज़ है कि UAE गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी इशू की है, वो ये है कि जो रेजिडेंट्स ट्रेवल करना चाहते हैं इन छुट्टियों के अंदर, उनके लिए वो कह रहे हैं कि वो रिकमेंडेड है कि दूसरा डोज लगाने के 14 डेज के बाद ट्रैवल करें कम से कम, क्योंकि उनका जो वैक्सीन का जो असरात है, जो इम्यून सिस्टम है उसको वो डेवलप करने में इतना कम से कम टाइम लगता है। तो मेक श्योर कि आपको दूसरा जो वैक्सीन का डोज है उसको लगे हुए 14 डेज हो चुके हों, तो उसके बाद आप ट्रैवल करें। तो हैप्पी ट्रैवल्स, ट्रैवल ज़रूर करें और अपना ख्याल भी रखें और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी जो अभी रूल्स एंड प्रिकॉशन का जो वो कहते हैं उनको फॉलो करें, और इससे उनको भी फायदा है, हमें अपना भी खुद का फायदा है। इसके अलावा भी जो भी आपके कमेंट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने होटल के बुकिंग के लिए कौन सी वेबसाइट्स को यूज़ करना है, टिकट कैसे बुक करने हैं चीप और जो के सस्ते आपको मिल जाएं,
और उसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन हो आप मुझे कमेंट के में पूछ के आप सवाल करें, मैं आपको जरूर उसके जवाब दूंगा और आपको गाइड करूंगा। और उसके लिए मेरे जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।